चलिए अभी अपन प्रतापगढ़ फोर्ट देखने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ये छत्रपति शिवाजी राजा ने खुद बनवाया किला है। किले की जो दीवार दिख रही है कलापत्थर की, किला बनवाने से पहले पूरा पहाड़ी था। पूरा इलाका जो है बीजापुर का जो आदिल शाह था, आदिल शाह के कब्जे में था। आदिल शाह बोलेंगे तो बीजापुर कर्नाटक बॉर्डर, महाराष्ट्र की लास्ट बॉर्डर है। आदिल शाह का सूबेदार यहाँ पर मराठा था, उसका नाम है चंद्रराव मोरे। ये पूरा इलाका चंद्रराव मोरे के अंडर में था। शिवाजी राजा ने मोरे को समझाया कि तू मराठा है अपन मराठा है, दोनों मिलके अपना हिंदू राज स्थापन करेंगे, स्वराज्य बढ़ाएंगे। लेकिन चंद्रराव मोरे ने राजा की बात ठुकरा दिया। इसके लिए 1655 में शिवाजी राजा ने मोरे के ऊपर ही अटैक करके ये जावली इलाका और ये पहाड़ी जो है अपने कब्जे में ले लिया। 1655 में शिवाजी राजा ने ये पूरा इलाका अपने अंडर में ले लेने से बीजापुर की जो आदिलशाही पूरी हादर गई। और उसके लिए वो लोग ने बीजापुर में जो है बहुत बड़ा दरबार लगाया और उसी दरबार में ऐसा सवाल रख दिया बड़ी बेगम शाह ने कि जो कोई शिवाजी को पकड़ के लेके आएगा जिंदा है मुर्दा, उसको मैं बड़ी जागीर दूंगी। तो बीजापुर का बहुत बड़ा सरदार था, उसका नाम है अफजल खान, उसी के साथ में 40,000 की फौज दे के यहाँ तक शिवाजी राजा को पकड़ के लेके जाने के लिए अफजल खान को भेज दिया। जब तक देखिए ये पहाड़ी कब्जे में आ गया तो राजा के पास में उस टाइम में दो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम है अष्टप्रधान मोरोपंत पिंगले और हिरोजी इंदुलकर। 1656 में फोर्ट बनवाने के लिए स्टार्ट किया है। 1656 to 1658 यानी 2 ईयर्स में 5 किलोमीटर का वॉल बनवाया। 5 किलोमीटर की दीवार है, आने जाने के लिए एक ही गेट है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस यहाँ पर है, देखिए ये दोनों वॉल दिख रही है, इसके अंदर जाने के बाद गेट लगने वाला है। यानी अभी भी नीचे से अपन देखेंगे फोर्ट का मेन एंट्रेंस कहाँ है, गेट कहाँ है पता नहीं चलता है। लोग आ रहे हैं इसके लिए अपने को पता चलता है। पुराना रास्ता जो है जंगल में से शॉर्टकट का है। कैपिटल फोर्ट शिवाजी राजा का राजधानी रायगढ़, रायगढ़ टू प्रतापगढ़ 65 किलोमीटर, ये शॉर्टकट अभी भी चालू है। देखो यहाँ जंगल में से दिखने वाला है, छोटे छोटे पैदल से एक एक आदमी सिंगल आदमी आ सकता है, ऐसा जंगल में से रास्ता है। अभी भी यहाँ छोटे छोटे गाँव है, विलेज है, यहाँ के लोकल आदमी को अभी भी आना है। जंगल में से शॉर्टकट से पैदल लोग आते हैं अभी भी, पैदल 20-25 आदमी तो डेली फोर्ट के अंदर आते हैं। हाँ जी, ये जंगल में से छोटे छोटे गाँव है, 1,000-2,000 के गाँव है छोटे छोटे, और बहुत से गाँव है छोटे छोटे। तो 58 तक फोर्ट का काम पूरा हो गया। 1659 में यहाँ पर अफजल खान और शिवाजी राजा की मुलाकात हो गई। तो मुलाकात के लिए अफजल खान कैसा आया था, अफजल खान जो आया बीजापुर से निकला तो साथ में 40,000 की फौज दिया था, 40,000, इसमें से हाथी घोड़े ऊँट तोहफे मैदानी फौज थी। ये सब लेके बीजापुर तुलजापुर पंढरपुर सिकर सिंगनापुर करते पंचगनी के नीचे वहीं तक आ गया। साथ में 40,000 की फौज थी, मैदानी फौज होने के वजह से ये पंचगनी के नीचे वहीं तक आ गई। वहीं में आने के बाद बारिश चालू हो गई, 4 महीना वहीं में रुकना पड़ा बारिश के कारण। बारिश में यहाँ का लोकल आदमी तो काम करेगा लेकिन बाहर वाले को जमने वाला नहीं, पूरा धुम्मस रहता है, फॉग रहता है। अभी ये जैसा मौसम खुला है ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, सामने का 5 फीट का आदमी दिखाई नहीं देता है, इतना फॉग रहता है, धुम्मस रहता है। इसके वजह से उन लोग ने कैसा वहाँ पर ही रुकने का एक निर्णय ले लिया। और बाद में अफजल खान का तो कैसा है, नवंबर में बारिश खुल गई, अभी भी खुलती है नवंबर में, अभी बारिश है थोड़ा बहुत। फिर नवंबर में बारिश खुलने के बाद उसका वकील था अफजल खान का, उसका नाम है खंडोज कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उसी के साथ में उसको भेज दिया। यहाँ पर एक दिन हॉल्ट किया प्रतापगढ़ फोर्ट में, शिवाजी राजा ने रहने वहने की व्यवस्था करके उसके साथ में बातचीत करके अफजल खान को वहीं से यहाँ तक लाने में सफल हो गए। अभी वकील तैयार हो गया, वकील ने जाके फिर वहीं में अफजल खान को समझाया इसी तरह कि उसको फिर तैयार कर दिया। अफजल खान वहीं से आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन देखिए वो पहाड़ी इलाका है, अपन गाड़ी लेके आए कैसा घाटी है पूरा, ये पहाड़ी इलाके में मैदानी फौज का कोई फायदा नहीं है, इसमें क्या चल सकता है, घोड़दल और पैदल दो ही प्रकार की सेना उसको लेके आनी पड़ी। वो कितने निकली, खाली 12,000 यानी 12,000 यानी 40,000 में से 12,000 लेके वहीं से पंचगनी, पंचगनी से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से सामने का माउंटेन दिख रहा है देखो, हाँ थोड़ा इधर आइए पूरा दिखेगा, एक नंबर का जो माउंटेन दिख रहा है उसका नाम है रणतुंड। हाँ ये पूरा बॉर्डर जो नीचे तक आ गया है ये पूरा माउंटेन रणतुंडी के घाट से कोयना नदी के किनारे, रणतुंडी मतलब मराठी में बोलते हैं रड़त रड़त फौज खाली उतर ली, रोते रोते फौज नीचे उतर गई, इसके लिए मराठी में उसको रणतुंडी के घाट से कोयना नदी के किनारे 12,000 फौज नीचे रख दी जंगल में कोयना नदी के किनारे। लेकिन शिवाजी राजा ने जंगल में पहले से ही अपनी फौज लगा के रखी, पूरी पैक करके पार गांव है वहां से पलखी में बिठा के, सामने देखिए अभी दोनों की कब्र दिख रही है,
इलेक्ट्रिक पोल जो दिख रहा है उसके नीचे जो दोनों कबर दिख रही है, बड़ी कबर जो है वो अफजल खान की है और छोटी उसका बॉडीगार्ड सैयद बंडा की है। अच्छा। इसी जगह पर मिलने के लिए शामियाना बनाया था, टैंक बनाया था, और ऊपर से शिवाजी राजा के बॉडीगार्ड मिलने के लिए अफजल खान को नीचे आए थे। अफजल खान के साथ में उसका बॉडीगार्ड सैयद बंडा, उसका वकील कृष्णाजी भास्कर, शिवाजी राजा के साथ में उनके वकील गोपीनाथ पंत गोपी, और उनके बॉडीगार्ड जो थे उनका नाम है जीवा महाले। ऐसे ये मिलते टाइम खाली 6 आदमी शामियाना के। हाँ बस दोनों की फौज अलग थी, लेकिन शिवाजी राजा ने जंगल में पहले से ही अपनी फौज लगा के रखी। ये इलाके में ये लोग नया था, कौन सा रास्ता किधर जाता कोई पता नहीं, इसी तरह का पूरा फायदा उठा लिया। बराबर पार गाँव है नीचे, 10 किलोमीटर नीचे से उसको पालखी में बिठाया, और ये माउंटेन से उसको पालखी में बिठा के यहाँ पर जो शामियाना सजाया था उसी के अंदर ला के उसको बिठा दिया था अफजल खान को। अफजल खान का ख्याति बोले तो कैसा, उसका ताकत हाइट उसका है ना 7.5, 7.5 फीट की उसकी हाइट थी। लोखंड का पहाड़ देगा ना तो भी उसको बेंड करता था, जंगली हत्ती को पीछे ढकलता, एक बकरा नष्टे के लिए लगता था। स्मॉल फैमिली था, 64 वाइफ 44 चिल्ड्रन, सुखी परिवार, छोटा परिवार था। ऐसा ये बीजापुर तुलजापुर पंढरपुर करते उसको यहाँ तक लेके आए। ऊपर से राजा मिलने के लिए गए, राजा की हाइट कितनी थी 5.5, शिवाजी राजा की हाइट कम थी। जैसे शामियाना के अंदर एंट्री किया ना तो बैठा खान उठ के खड़ा हो गया, बोले आओ शिवा। राजा को ऐसे गले लगाया, ये बगल में गर्दन दबा दिया, बाएं हाथ से चाकू निकाल कर अफजल खान ने पीछे से अटैक करना चालू कर दिया। दो बार उसने अटैक करने से अंदर पूरा बख्तर पहना था, इसके लिए शिवाजी राजा बच गए। साथ में जो टाइगर के नाखून लिए थे, टाइगर नील से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। उसका पेट फट जाने से हाथ का चाकू नीचे गिर गया। फिर अफजल खान दगा दगा करके चिल्लाने लगा। जब भी उसी का जो बॉडीगार्ड था उसका नाम है सैयद बंडा, उसी को पता चला। बाहर से वो तलवार निकाल कर अंदर आके शिवाजी राजा के ऊपर वार करने लगा, तो महाराज का बॉडीगार्ड था उनका नाम है जीवा महाले, उन्होंने सैयद बंडा को डाला। इसके लिए मराठी में अभी भी बोलते होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी था जीवा इसके लिए बच गए शिवा। अगर जीवा नहीं होता तो शिवा भी नहीं बचता, ये मराठी में कहावत हो गई। मारने के बाद उसके रिवाज से वहाँ पर दफना दिया है। कबर जो दिख रही है आपको, ये उस टाइम में शिवाजी राजा ने जिसको मारने के बाद दोनों की कबर वहाँ पर बनवा दिया, दफना दिया, यानी मिलने का स्पॉट उनका यहाँ पर है। दोनों की फौज की लड़ाई कोयना नदी के किनारे हो गई, 12,000 फौज की। और जिस टाइम में शिवाजी राजा मिलने